लेट्स गो कराची, कैसे कराची ग्रीन मैराथन में। ये वो काउंटर्स हैं जहां पर हर उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं। इस अहम इवेंट में हिस्सा लेने के लिए वो यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, शर्ट्स अपनी इशू करा रहे हैं और फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव, ये काम, ये सूरत हाल, ये तरीकाकार, क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है इस शहर में रहने वालों के लिए, बसने वालों के लिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कुछ 6 महीने से हम लोग रेगुलर वॉक कर रहे हैं। ठीक है, शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, कराची वालों को सुबह उठा नहीं जाता। अच्छा, लेकिन अब सुबह सोया नहीं जाता हम लोगों से। अच्छा, सुबह नमाज पढ़ते हैं और वॉक पे निकलते हैं। चलें, गुड, तो ये बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में तो रेगुलरली ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। हाँ बच्चा, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा है, मैं और मेरी बहन रेस मारे आज, बहुत मजा आएगा। बहन को कहें जरा घूम जाए। जनाब, कितने एक्साइटेड हैं इस इवेंट के लिए, इस पार्टिसिपेशन के लिए, जिस लाइन में इस वक्त आप लगे? बहुत। ये होना चाहिए जी, मजीद भी होना चाहिए जी। एक इवेंट काफी नहीं है नहीं। शहर में यंगस्टर्स के लिए, सब लोगों के लिए। चीफ साहब, आप? जी ऐसे ही और इवेंट्स होने चाहिए, बेहतरीन इवेंट। ओके, और बहुत होने चाहिए, और इन्हीं तरह के इवेंट से ये कल्चर बनेगा। वेरी एक्साइटेड, वेरी एनर्जेटिक, लुकिंग फॉरवर्ड। वी नीड मोर ऑफ दिस बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हेल्थ। कितना एक्साइटेड हैं इस इवेंट के लिए? बहुत एक्साइटेड थे इस रेस करने के लिए। ओके, और फिर पौधा भी लगाना है? हाँ, करेंगे। चलो गुड, क्या कहते हो बेटा? बहुत खुश हैं इस इवेंट के लिए, तो पौधे भी लगाने हैं। चलो गुड, और पौधे लगाने चाहिए। यस यस, आई थिंक दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड event in Karachi, and I'm very happy for kids as well. Like, they were very exciting. Huh. And we are very happy for this opportunity, and we're looking forward to more on this. Chale. Morale bahut high hai. I think Karachi is always vibrant because Karachi wanted it, and they've come together to do this. It is not us who are doing it, it is the people of Karachi who are doing it. Thank you, Karachi. Youngster ne Pakistan ka jo naam hai, is Barr-e-Azam mein nahi, puri duniya mein, as a young माउंटेनियर के नाम से रजिस्टर किया है, असद अली मेमन। असद, प्लेजर टॉकिंग टू यू बॉय, कैसे हैं पहले तो ये बताएं। सर, गुड टू हैव यू एंड गुड टू सी यू, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी चट्टानों को सर करना आपका काम है, तो उसमें तो बड़ा स्टैमिना चाहिए होता है, तो ये मैराथन 5 और 10 किलोमीटर वाली में, ये तो बाएं हाथ का खेल है असद का, क्या नहीं? यू कांट से बाएं हाथ का खेल है, मेहनत जरूरी होती है, लेकिन इट्स रिलेटिवली इजी उस बंदे के लिए जो इस तरीके की एडवेंचरस और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखता है। ऑल द बेस्ट। अब कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ विंटेज गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और डिफरेंट कलर्स की हैं, जो लोग इनको लेकर आए हैं। वी आर होपिंग कि आफ्टर दिस हम लोग नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फुल मैराथन करें, ये 5 और 10 के रन है जिसको मैराथन कह रहे हैं, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी विल डू एट अ मच बिगर पेस, मच बिगर साइज, ओके, एंड इंक्लूड मोर पीपल इन दिस एनवायरनमेंट। और हमें ये भी खुशी हुई है कि हमारे विंटेज कार वाले लोग हैं, अमेजिंग। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में रजिस्ट्रेशन करें, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्या कहना चाहेंगे पहले तो, ये प्रोसेस कैसा रहा? बहुत आसान था, ऑनलाइन रजिस्टर किए और फिर यहाँ के एकदम आसान था नंबर लेने, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है, ये पहली दफा ऐसी कराची में इवेंट हो रही है, बहुत बहुत खुशी हो रही है हम लोग को। कराची, जो कराची की पहचान है, जो कराची की एक्टिविटीज रहती हैं, जो कुछ अर्से के लिए मान पड़ गई थी, तो उसमें ये इनिशिएटिव कितना अहम साबित हो सकता है? बहुत ही, ये बहुत सारी चीजें बताती है, फिटनेस लेवल रखना चाहिए सबको, और फिर कम्युनिटी बिल्ड होती है, देखो इतने सारे लोग आए हैं। एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग फॉर 10 किलोमीटर? हाँ, 10 किलोमीटर। कुछ कहना चाहेंगे आप? डोलो कराची डोलो। ओह, थैंक यू वेरी मच। आप 5 किलोमीटर के लिए? या 5 किलोमीटर के लिए। तो कौन जीत रहा है फिर? इंशाल्लाह जीतने की पूरी कोशिश है, भरपूर कोशिश करेंगे। ऑलरेडी बड़ी डीमोटिवेशन है इतने लोगों को देखने के बाद, लेकिन इंशाल्लाह अपनी कोशिश भरपूर रहेगी। आप जीत रहे हैं? इंशाल्लाह। आप दोनों में कौन जीत रहा है? वो तो मैं ही जीतूंगी। अच्छा, आप जीतेंगे? आप जीत रहे हैं? आर यू विनिंग? यस। चलें, गुड लक। लड़के नजर आ रहे हैं, लड़कियां नजर आ रही हैं, सीनियर सिटीजन नजर आ रहे हैं, तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त चीज है ये, और मैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा फॉर अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। बड़ा मजा आ रहा है, बड़े लोग एनर्जेटिक हैं, बड़ा जोश है, बड़ा बलबला है। क्या सोचा था
कि क्या करेंगे, तो ये कराची वाले एक जगह जमा हो जाएंगे। तो मिशेल कैलिफोर्निया से आई है, वो बहुत रन्स में पार्टिसिपेट करती है उधर, और इधर इतने होते नहीं है, तो हमने सोचा कि कुछ अच्छा कॉज के लिए करते हैं कि ट्रीज प्लांट करें, इधर भी पोल्यूशन भी ज्यादा है कराची में, तो इसलिए हमने यही किया कि ग्रीन मैराथन हो। Yeah, we were hoping for a big response and we're really happy to see it. So, we're really excited. Okay. I think 10K has already started running, which is really great. Okay. The MND Foundation, Born to Run, bahut zyada help kiya. Okay. And Sindh government also, everyone's really supportive. Chalen, thank you very much for giving this life and aspect of Karachi to all of us. Pehle to aapka sabse zyada shukriya. और ये जो दो यंगस्टर्स से मैंने बात की है, इनको बात करके तो मेरी भी एनर्जी जो ऐसी आ गई कि मैं भी दौड़ लगा दूं, लेकिन चूंकि काम की बाउंडिंग ऐसी है तो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। वो आखिर में आप दौड़िएगा भी और पौधा भी लगाइएगा। वो तो जरूर, पौधा तो जरूर लगाना है ना। हेल्थ और एनवायरमेंट, कराची का जो कॉन्क्रीट का जंगल के नाम से इसको अब शहर का लकब दिया जा रहा है, ये जो इनिशिएटिव है, अब क्या समझती हैं कि कितना आगे जाएगा? ये नंबर तो मुझे बता रहा है कि लोग तो बड़े एक्साइटेड हैं जो मैंने अब तक बात की है। आपका क्या पॉइंट है? नहीं तो नजर तो आ रहा है, वो कहता है कहते हैं जो देखा उसी पे यकीन करना चाहिए। तो बहुत लोग आ गए हैं और बहुत लोग आ रहे हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी है। और जब यंग लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है तो आप ये सोचें कि और बहुत से यंग बच्चे जो हैं मोटिवेट भी होंगे और हुए हैं, और वो जो हम कहते हैं ग्रीन पाकिस्तान और ये ग्रीन कराची, तो ये ग्रीन कराची से होते होते इंशाल्लाह हम ग्रीन पाकिस्तान यही बच्चे जाएंगे और करेंगे। लोकल नहीं, मुख्तलिफ शहरों से और इंटरनेशनल भी लोगों का मैंने यहाँ आने का सुना। और इस तरह की चीज़ें अगर यूथ के लिए होती जाएंगी ना, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग लाएगी। और बच्चे जो उल्टे सुलटे काम कर रहे हैं या बेचारों को कोई काम नहीं है तो क्या करें, तो उनके लिए एक समझे प्लेटफॉर्म है। और इंशाल्लाह हम हर साल करेंगे और हमारे पाकिस्तान में ग्रीन यानी कि हर वक्त पौधा लगेगा, कितना खूबसूरत लगेगा। नो डाउट एनवायरनमेंट बड़ा इसका मजबूत इम्पैक्ट पड़ेगा, जहाँ ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बड़े फोरम इंटरनेशनल फोरम पे बात हो रही है। पूरा इंटरनेशनल ये तो एक मैराथन हो गया है, वो उसका ये देखे ना कि ये बच्ची एक कैलिफोर्निया से आई है मिशेल, जिसने बैठ के सोचा, और जलीना यहाँ से, इन लोगों ने बैठ के कोऑर्डिनेट किया कि हमें ये पाकिस्तान में करना चाहिए, हमारा ये पाकिस्तान है। तो अगर बाहर बैठे बच्चे भी ये सोचे अपने पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी बात। और जब वो हम कदम होंगे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा लोकली भी और इंटरनेशनली भी। थैंक यू वेरी मच, अगले साल के लिए भी हम ईगरली वेट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ये पूरा का पूरा इवेंट लोगों की तादाद बढ़ा रहे के स्टार्ट होने से पहले ही कामयाब हो गया। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 10 किलोमीटर की रेस का आगाज होने को है, और ये आप काउंटडाउन देख सकते हैं 7, 6, 5, और मुर्तजा वहाब ने इसको आगाज करने का जो गन है अपने हाथ में थामी हुई है, और ये गन शॉट रेस का जो पहला विनर है वो इस वक्त 10 किलोमीटर की रेस के बाद पहुंच चुका है, और इसके साथ साथ दूसरा सेकंड भी आ गया। सर क्या नाम है आपका? सुहेल आमिर सर। सुहेल जी, 10 किलोमीटर पहले नंबर पे? 10 किलोमीटर। चलो थोड़ा सा सांस ले लो। दूसरा बंदा कौन है सर? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का भी पहला बंदा आ गया, क्या नाम है आपका? इसरार खटक। इंतजार इसरार खटक जी। जनाब आप? मोहम्मद इकराम। इकराम 5 किलोमीटर फोर्थ पोजीशन 5 किलोमीटर फिफ्थ पोजीशन। नाम क्या है? सजाद। आगे होंगे पोजीशन सेकंड पोजीशन। नाम क्या? आमिर अब्बास। आमिर 5 किलोमीटर की थर्ड पोजीशन। और मजीद भी लोग आ रहे हैं, आने वालों का सिलसिला। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नाम? फैसल। 5 किलोमीटर कौन सी पोजीशन? नहीं पता। चलो पता लग जाएगा, बहुत शुक्रिया। पौधा लगा लिया आपने अपना? जी लगा लिया। क्या कहना चाहेंगे?
صحت اور انوائرمنٹ بہت اہم جز ہے ہماری زندگی کا. ہمارا یہ کراچی ہے, ویسی آلودگی ہے, اس میں بھرپور جتنے پودے لگا سکے لگائیں آپ, بہتر ہے. تو آج کا ایونٹ کیسا رہا اوور آل؟ اگر بہت زبردست, مزہ آیا. ایسے ہماری خوبصورتی بھی ہوتی ہے, ایسے خوبصورتی بھی بہت آتی ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے پلانٹیشن کرنا. تھینک یو, تھینک یو, بہت اچھی بات ہے. خوبصورتی بھی آتی ہے, انوائرمنٹ بڑا اچھا رہتا ہے, اور اس جگہ پر ہزاروں کی تعداد میں اب یہ پلانٹیشن کی ایکٹیویٹی بھی شروع ہو گئی ہے. جیسے جیسے ریس اختتام کرتے جا رہے ہیں, پارٹیسپینٹ وہ یہاں آ رہے ہیں اور اپنا اپنا پودا یہاں لگا رہے ہیں. آپ تحت دینے کا دیکھ سکتے ہیں, اس پوری لائن میں لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. کئی سال ہو گئے کراچی میں, میرے خیال سے ایسی ایکٹیویٹی ہوئی نہیں ہے, تو ایسی ایکٹیویٹی, ایک ایکٹیویٹی ایسی لگاتار ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. نکی خان صاحب, کیا حال ہے, ریس کیسی رہی؟ بہت اچھی رہی. پودا لگ گیا؟ لگ گیا. یہ مزید ینگسٹرز نے مجھے جوائن کر لیا, کچھ 10 کلومیٹر والے ہیں, کچھ 5 کلومیٹر والے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیسی رہی ریس؟ بیچ میں تو تھک گئے تھے, لیکن ایٹ دی اینڈ کمپلیٹ خود سے کری تھی, بہت اچھا سیٹسفیکشن ملی, اور پیڑ لگا کے تو مطلب مزہ ہی آ گیا. پودا لگا کے مزہ آ گیا. چیف صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت اچھا رہا, مطلب انجوائمنٹ بھی ہوئی اور انٹرٹینمنٹ بھی رہا, مطلب سب تھک بھی گئے تھے تو واک بھی ہوئی, مطلب اچھا رہا. مطلب ایسی چیزیں ہونی چاہیے, جیسا کہ بڑے بھائی نے بولا, ایک بار سے نہیں, ہر 2-3 مہینے میں ہونا چاہیے. اچھا, بہت اچھا اسٹیپ تھا, حصہ لیں گے انشاءاللہ. اور ایس ایف والے تھے ہمارے بھائی, پولیس والے تھے, تو ان کے ساتھ دوڑ کے بہت موٹیویشن ملی, سیکیور بھی فیل کیا, ماشاءاللہ سیکیورٹی بہت زبردست تھی. اس پورے ایونٹ کا اہم حصہ جہاں ایک ایک انڈیویجول نے پودا لگانا ہے, نا سلطانہ آپا نے جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا ہے. اب جیسے ہی ریس کے پارٹیسپینٹ یہاں آتے جائیں گے, گیدر ہوں گے, انعامات ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے, اور یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھے گا. پہلا پودا اس پورے اہم ایونٹ کا لگایا جا چکا ہے. کیا کہ کسی فروٹ کا پودا ہی ہے؟ کہا کینو کا ہے, اللہ کرے کہ لوگ کینو بنانے سے پہلے نہ اس کو لے جائیں. نہیں نہیں, لے کر نہیں جائیں گے, لیکن یہ بات تو ہے, ایک جو ایک طرز ہے کہ جی پودا لگاتا کوئی اور ہے, اسے فیضی آپ کوئی اور ہوتا ہے. تو ہم اس اچھی تمنا کے ساتھ اس سلسلے کا شروع کر چکے ہیں. بالکل, انشاءاللہ یہ پھلے گا, پودے گا, بہت اچھا رہے گا, اور لوگ اس سے جو ہے مستفید ہوئے, کھائیں پھل تو ہمارے لیے اچھا, اور گرین رہے کراچی, کراچی گرین رہے. اور اس پورے سسٹم کا آغاز کراچی سے کیا جا چکا ہے. شجاعت صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پودا لگانا جو ہے یہ ثواب جاریہ ہے, یہ نسلوں تک چلتا ہے, اور کہا گیا ہے کہ پودے لگاؤ, کنویں کھودو, سڑکیں بناؤ, یہ سارے کام جو ہے ثواب کے ہوتے ہیں. یہ آج ایک بہت بڑا کام ہوا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آج کا ایونٹ جو ہے یہ بہت آگے تک اس کے امپریشن ان شاء اللہ کراچی سے آغاز کر دیا گیا ہے, جس کو آگے ملک کی سطح پر بھی جو ہم لے کے جائیں گے. ایک بڑی خوبصورت سی چیز جس پہ میری اور میرے پروڈیوسر اور میرے کیمرامین کی نظر پڑی جب ہم یہاں سے نکل رہے تھے پلانٹیشن والے ایریا سے, کیونکہ سیریمنی آغاز اس کا ہونے کو ہے پرائز ڈسٹریبیوشن کا, تو یہاں پر جو فیڈ بیک ہے, جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے, بڑے رنگ برنگے انداز میں اس کو یہاں پریزنٹ کیا گیا ہے, جن بچوں نے لگایا ہے ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں اور پھر وہ آپ کو دکھاتے بھی. پہلے تو یہ بتائیے, یہ سارا ریس پلانٹیشن کرنے کے بعد کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اچھا, تھک گئے, مطلب دوڑ تگڑی لگائی ہے. ہاں اچھا, چلیں تھکنا تو بنتا ہے, لیکن اس پوری چھوٹی سی ایکٹیویٹی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اٹس ریلی گڈ فار دی انوائرمنٹ اینڈ فار اس. ہاں یا چلیں ہاشم. ہاں جی, یا آئی گاٹ ویری ٹائرڈ. اچھا, اینڈ اٹس ویری گڈ فار دی انوائرمنٹ. اوکے, نو نو ڈاؤٹ, پلانٹنگ از ا ویری گڈ تھنگ, اور رننگ تو پھر اپنی ہیلتھ کے لیے ویسے ہی بڑا اچھا ہے. فیڈ بیک کیسا رہا؟ یہ جو پورا کلرفل ایک جو آپ نے بھی میں دیکھ رہا تھا آپ کارڈ لگا رہے تھے, ریس تو آج ختم ہو جائے گی ابھی کچھ دیر کے بعد, لیکن یہ جو درخت لگائے ہیں یہ رہیں گے یہاں پہ, اور آج کے دن کا جو ہے یہ ایک یادگار ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو درخت لگانے کا جو فائدہ ہے, مختلف ورائٹیز کے ٹریز بھی ہیں, انوائرمنٹ کے حساب سے, کلائمیٹ کے حساب سے, بیوٹیفیکیشن کے حساب سے, تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے, اور اس کو مزید ہونا چاہیے ریگولر بیسس پہ, ہر سال ہونا چاہیے, اور اس پہ زیادہ سے ضرور. تو یعنی کہ تھمز اپ جن آرگنائزرز نے, جو آرگنائزرز ہیں اسپیشلی ہم ٹی وی, ہم چینل جو ہے, کے ایم سی ہے, اور بھی کے ایم سی ہے, اور باقی جو ایجنسیز ہیں, جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, دے ریئلی اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے. آئی ایم جسٹ وشنگ دی بیسٹ آف لک ٹو کراچی اینڈ دی بیسٹ وشز فار دی کراچی انوائرمنٹ. تھینک یو, تھینک یو سو نائس آف یو, بہت شکریہ سب کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا.
एक झलक में आपको बड़ा क्लोजली इन रंग बिरंगे फीडबैक्स के ऊपर दिखाता हूँ। आई लव पाकिस्तान, कीप ग्रीन कराची एंड ग्रीन पाकिस्तान। अता मोहम्मद साहब ने आई लव पाकिस्तान, कीप ग्रीन कराची और कराची ऑलवेज शाइन। बड़ा मज़ा आ रहा है जहाँ पूरा बड़े एनर्जी के साथ ये पूरी की पूरी कवरेज हम कर रहे हैं, हमारी मुख्तलिफ टीम भी कर रही हैं। कराची ग्रीन मैराथन का रंगारंग इवेंट अपने अख्ताम की जानब बढ़ रहा है और स्टेज पर इस वक्त प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इस वादे और उम्मीद के साथ कि आपने और मैंने अपनी जिम्मेदारी इस सेहत और माहौल को बेहतर बनाने के लिए आगे अदा करनी है। आज के प्रोग्राम से जुनैब खानजादा और टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।